पति था जिसके लिए वो रोटियां ले जाया करती थी। और इस प्रकार से इसके बाद एक वो भी आया है कि किस प्रकार से बर्तनों को संभाल रखा था ठकुराइन ने, कि क्योंकि वो अपने बुजुर्गों की धरोहर को यूं थोड़े पैसों में बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने वो उनकी विरासत थी, उन्होंने बहुत लगन से बड़े कठिन परिश्रम के बाद ये विरासत बनाई थी। तो इस प्रकार से अपने बुजुर्गों के जो संपत्ति वो छोड़ के जाते हैं, उनके प्रति भी इसमें मोह दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोग अपनी चीजों से मोह करते हैं। इस कहानी में और कुछ था नहीं बच्चों ज्यादा, खासकर तो विस्थापन गरीबी यही दिखाई गई है, और इसके माध्यम से उस गरीब लोअर तबके का लेखक ने इशारा किया है जो इस गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। उनकी ओर ये बुढ़िया जो है उनकी उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से इशारा करती है कि किस प्रकार से गरीब तबका अपने जीवन को जीतता है और उन्हें भी अगर विस्थापित कर दिया जाए तो उनकी कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है। ये कहानी के माध्यम से उनकी दयनीय स्थिति को लेखक ने उभारा है। कुछ आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो, माटी वाली के क्वेश्चन आंसर्स हम कल अपलोड कर देंगे, और मंडे को आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर करेंगे और पोर्टल पर भी अपलोड हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों का कृतिका का जो है चैप्टर है वो कृतिका का कोर्स खत्म होता है। कृतिका में केवल तीन चैप्टर आ रहे हैं, माता का आंचल, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली। और याद रखिए फाइनल टर्म में पूरा कोर्स आता है, लेकिन 40 और 60 का रेशियो रहता है, यानी कि 40% आपका आएगा फर्स्ट टर्म का और 60% आएगा आपका सेकेंड टर्म का, यानी कि तो पूरा कोर्स ही आपको करना है, फिर पूरे कोर्स की ही का ही रिवीजन करना है। बस फर्क इतना रहेगा कि क्या चीज, फिर से एक और बार चैप्टर कौन सा वाला बेटा? वैसी बुक में आप बताने, तीन चैप्टर आ रहे हैं। माता हाँ, एक माता का आंचल सॉरी माता का आंचल नहीं है, सॉरी माता का आंचल तो 10th में, सॉरी सॉरी मेरे माता संग का आंचल, रीढ़ की हड्डी है मैम, मेरे हाँ संग की औरतें हाँ माता हैं, का, माता का आंचल सॉरी 10th में है, वो 10th का हमारे निकल गया मेरे था। संग की मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली, ये तीन चैप्टर्स आपके ओके। हैं। तो रीढ़ की हड्डी हमने अभी करा दिया है, सॉरी रीढ़ की हड्डी अभी फर्स्ट टर्म में करा दिया था, लेकिन अभी दोबारा से फिर से हम करेंगे क्योंकि सेकेंड टर्म का है ना, इसलिए एक बार फिर से रीढ़ की हड्डी की रीडिंग हम स्टार्ट करवाएंगे और फिर से पूरी तरह से उसको दोबारा से पहले की तरह ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फीस सबमिट नहीं करी थी जिसके कारण वो क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। अब सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्होंने फीस सबमिट करी है, बहुत सारे बच्चे अब क्लासेस ले पा रहे होंगे, तो उन सभी के लिए भी आसानी हो जाएगी। जो चैप्टर्स रीढ़ की हड्डी हम पहले करा चुके थे, दोबारा से म्यूट योरसेल्फ बच्चों, कितनी वॉइस आ रही है आपके घरों से, तो वो सब पूरा दोबारा से हम चैप्टर करेंगे। अब सामने सपनों की याद हमने करवाई दिया है, वो भी सेकंड टर्म का है, हालांकि पहले भी कराया जा चुका था। इसके बाद है प्रेमचंद के फटे जूते, वो भी सेकंड टर्म का है, और इधर ये है, और इसके अतिरिक्त कैदी और कोकिला हो चुका है। कैदी और कोकिला के बाद अब आपका एक और बचता है सेकंड टर्म का, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म में किया जा चुका है वो दोबारा से हम सेकंड टर्म में कराएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमको हमने फर्स्ट टर्म में कराया था। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यस काकुल जैन बोलिए, आप अनम्यूट हैं, काकुल जैन पूछिए। हेलो मैम, यस बेटा, हिंदी कॉपी करेक्शन करानी है। बेटी जब ऐसा है काकुल कि जब हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जब भी दिए जाएंगे तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो हम लोगों को स्कूल बुलाया ही नहीं जा रहा, जब तब तक आप लोग कोर्स करते रहिए, आप लोग ओके जो भी मैम, कोर्स हम हाँ ना, आप सभी बच्चों को ये हम आप लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि जितना कोर्स हम आपको कराते जा रहे हैं, पीडीएफ जो शेयर हम कर रहे हैं या हम पोर्टल पर डाल रहे हैं, आप वो लिखते चलिए, ताकि जिस दिन भी आपका कोर्स ये आपका हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि बच्चों से कॉपीज मंगाइए, जैसे आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम से पहले मंगाई गई थी, वैसे ही दोबारा से हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे स्कूल की तरफ से, तभी हम आपसे कह पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम खुद भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम अपनी क्लासेस घर से ले रहे हैं।
तो हम आप लोगों से कैसे कह दे, जब स्कूल हमें बुलाएगा तभी स्कूल जा पाएंगे, जब स्कूल हमें कॉल करेगा कि आप टीचर्स आइए, और जब टीचर्स आएंगी तभी आपसे कह पाएंगे कि आप लोग कॉपीज ले आइए। लेकिन तब तक आप लोगों को क्या करना है, अपना वर्क कंप्लीट रखना है, ताकि तुरंत हम जैसे ही आपसे कहें आप तुरंत वर्क कंप्लीट कर, उसमें भी आपने अधूरा छोड़ा तो फिर पता नहीं फिर कब का नंबर आएगा आपका। समझ में आ गया? क्योंकि फाइनल टर्म में भी आपके 5 कॉपी मार्क्स तो होंगे ही, फाइनल टर्म में भी जैसे अभी थे, तो वो आप वर्क कंप्लीट रखिए ताकि हम फुल मार्क्स आपको कॉपी पे दे सके। उसमें लापरवाही मत करिए, जब भी स्कूल हमें निर्देश देगा हम आपको बताएंगे, आप लोग कॉपी लेकर आ जाइएगा और कॉपी चेक करा लेना, हैंड टू हैंड कराना आपकी बात। सब बच्चों को हम बता देंगे, 10-10 बच्चे बुलाएंगे हम हर रोज, 10 आप आइए, ताकि आप हैंड टू हैंड कॉपी के चेक करा के सभी टीचर्स से और आप साथ ले जा सके, ताकि कॉपी खोने की नौबत ना आ जाए। तो समझ में आ गया बच्चों? तो आज अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर समझाया जा चुका है, रीड हो चुका है, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया है, ओरल टेस्ट भी हो गया है, अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया। अब यहाँ पे हम प्रेमचंद के फटे जूते की रीडिंग करवाना चाहेंगे। कौन अच्छी रीडिंग कर लेता है मुस्कान के अलावा? सभी लोग प्रेमचंद के फटे जूते निकाल लें। मुस्कान हैंड रेस करो, बाकी बच्चे हैंड रेस नहीं कर रहे हैं। मुस्कान रेज योर हैंड। अच्छा, कनिका बंसल ने किया है, चलिए कनिका प्रेमचंद के फटे जूते स्टार्ट कीजिए आप। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी कुर्ता और धोती पहनी है, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, पांव में कैनवस के जूते हैं। हाँ एक मिनट देखिए, ये जो अभी कनिका पढ़ रही है ये उनके व्यक्तित्व में आएगा। अगर कोई प्रश्न आता है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व का एक रेखा चित्र खींचिए, तो यही बातें लिखी जाएंगी जो इस वक्त कनिका पढ़ रही है। समझ में आया कनिका? एक बार देखिए, आपको हमने क्वेश्चन बताया है, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि प्रेमचंद का के व्यक्तित्व का एक रेखा चित्र खींचिए, यानी कि रेखा या प्रेमचंद के व्यक्तित्व के विषय में लिखिए, तो आप यही बातें लिखेंगे जो इस समय कनिका पढ़ रही है। कनिका स्टार्टिंग से, फिर मुस्कान आप पढ़िए। मुस्कान आपकी आवाज क्लियर आती है, कनिका थोड़ी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ मुस्कान स्टार्ट करो। ओके मैम। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बदलाती हैं, पांव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद पेतरती बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद गेसरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तो बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, नहीं इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेपे नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जाती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं इसमें उपहास है, व्यंग्य है, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है, फोटो ही खिंचाना था
तो ठीक जूते पहन लेता या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, रो रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रोने पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते? समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने? तुम फोटो का महत्व नहीं जानते? लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपी न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में अभी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते? हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूंछ की रात में नीलगाय हल्कू हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है मानो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया ये? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील तो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनैया घिस गई, बिसरो गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको कर वो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुमने उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकाल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदल कर घूम भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी
जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पालकी उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढाकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। और इस चैप्टर के हालांकि इस चैप्टर का हम जो ओरल टेस्ट वगैरह है या इसको जो भी हम एक्सप्लेनेशन है, ये हम आपको मंडे को देंगे, मंडे को करेंगे। पीडीएफ तो मैंने शेयर कर रखी है, तो इस पे जो वर्क होगा मंडे पे, मंडे को ही होगा। तो आज उसका टाइम ओवर हो रहा है क्लास का, मंडे को मिलते हैं बच्चों, चलिए।